हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मेरा नाम है ऋषि और आज हम लोग जा रहे हैं फिर से डीपी ऑब्जर्वेशन करने के लिए। और जी हाँ दोस्तों, और काफ़ी दिन से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया था। मैं जस्ट एक्सप्लोर कर रहा था, मतलब इधर उधर घूम रहा था। अभी एडिटिंग करने को भी टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा बिजी हो गया था। तो देखिए चलो यार, आज ब्लॉग करते हैं। और आज कल चले गए थे हम लोग ओरायन मॉल के लिए, कल छुट्टी मार के। और पहले इस्कॉन जाने का प्लान था लेकिन जा नहीं पाया। और इंस्टाग्राम पे मैं लाइव भी आया था कुछ देर के लिए, लेकिन लाइव आने से मतलब एक चीज़ अच्छा लग रहा था, चलो बहुत मज़ा आ रहा था लाइव होने में। और सेकंड चीज़ ये कि नेटवर्क बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा था, जिसके कारण मतलब मुझे जल्दी से बंद करना पड़ा। और उसके बाद कल का ब्लॉग मैंने शूट किया। अभी मतलब मेरे बहुत सारे 3-4 ऐसे वीडियोज़ हैं जो अभी पड़े हुए हैं, एडिट करना बाकी है ओनली। और मैं बस एक दिन बैठूँगा, खटाक से एडिट करूँगा और आराम से वीडियो डालूंगा, टेंशन नहीं उसके लिए। तो मतलब मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, मतलब एक दिन छोड़ के मतलब वीकली 3 वीडियोस तो आ ही जाएगी। और देखते हैं कैसे क्या, तो चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं। आज बज रहे हैं, आपको बता देना चाहता हूँ, दोपहर के 1:40 हो रहे हैं। और आई थिंक इस टाइम ट्रैफिक बिल्कुल नहीं होगी, तो शायद अच्छा होगा इस टाइम ब्लॉग का शूट करने में। ओके, मौसम की बात करें तो काफ़ी सेक्सी मौसम, आप देख सकते हैं ऊपर आगे पीछे जितना भी जगह है, मौसम यहाँ पे सेक्सी रहता है यार, उसका कोई टेंशन नहीं है। कल मैं जब जा रहा था, मतलब कल बहुत ही यार चेकिंग थी यार उस रोड में तो। और कल मैं बैटरी चार्ज ही नहीं किया था, मतलब बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं सोचा कि यार मस्त ब्लॉग शूट करूँगा, लेकिन बैटरी बिल्कुल चार्ज नहीं थी, तो इसके कारण कल बस मोबाइल से रिकॉर्ड करो। मैं बहुत लोगों ने मुझे कहा है कि भाई तू जितना फोटो लग करता है आधा मोबाइल से भी शूट कर ले नॉल, तो मेरा ठीक है यार मोबाइल से भी शूट करूँगा। और वैसे DSLR में मतलब कैमरा ले रहा हूँ, वैसे टेंशन नहीं है। अभी देखते हैं, 1-2 के अंदर मैं ले लूँगा। और जो ब्लॉगिंग का सबसे बेस्ट कैमरा है कैनन G7X Mark II, सो वही चीज़ का प्लान कर रहा हूँ। अभी कन्फर्म नहीं है, अगर हुआ तो मैं ज़रूर लूँगा, क्योंकि मुझे यार वो कैमरा चाहिए, मुझे वो बहुत पसंद है। मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स देखे हैं उसके, तो यार ब्लॉग्स करने मज़ा आएगा। और अब मैं ब्लॉगिंग के क्षेत्र में भी उतरा, जैसे मोटो ब्लॉगिंग तो करता ही हूँ, अब नॉर्मल ब्लॉग्स जो करते हैं ट्रैवल ब्लॉग एंड ऑल, वो सब स्टार्ट करूँगा, तो टेंशन नहीं है। अभी बहुत सारे प्लान्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार, मेरे को जल्दी इम्प्रूव नहीं करना है, जब होगा देखा जाएगा। सब्सक्राइबर पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ सब्सक्राइबर जो काउंट होते हैं उसको बंद कर दूँ, मेरे को वही लग रहा है, क्योंकि जितना देखूँगा उतना ज़्यादा वो होगा कि यार कितने, कोई नहीं। और बात करूँ जिस PG में मैं रहता हूँ, वो बहुत ही बकवास खाना आजकल दे रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ चेंज करने को। मुझे 8 हो गए PG में रहे हुए और बहुत ही बेकार खाना मुझे मिल रहा है आज। मतलब मैंने ओनर को बोला कि यार कैसे खाना देते हो मतलब, और फिर उसने बोला यार कहाँ सब जगह तो ऐसा ही देता है। मैं तो सोच रहा हूँ उसके बारे में, PG के बारे में, देखते हैं क्या होता है। कुछ अच्छा पिज़्ज़ा मिल जाएगा तो मैं सोच रहा हूँ, स्पाइस गार्डन में शिफ्ट हो जाए, यहाँ पर बहुत मस्त PG है, देखते हैं। बहुत दिन हो गया, और वैसे भी एक जगह का खाना खा खा के लोग बहुत ज़्यादा बोर भी हो जाते हैं, तो चलो कोई नहीं। और आज मैंने ग्लव्स भी नहीं पहना है यार, शिफ्ट डिक्की में ही रह गया, खोला के दिखाई नहीं। तो मैंने कल सोचा था कि जो सीमेंटी वाला रोड है कल मैं उससे गया था, तो सोचा चलो यार वहाँ पर ट्रैफिक नहीं रहेगी, लेकिन साला कल भी ट्रैफिक था, इसलिए अब मैं DMart और आशा को छोड़ूंगा नहीं, और आते वक्त मैं चूज़ कर लूँगा उसको, उसके लिए टेंशन नहीं है। और आजकल मुझे नया शौक चढ़ाया, हर दिन फट खाने का, फट या पड्डू कुछ भी बोलते पता नहीं मुझे, फट खाने का काफ़ी सेक्सी होता है। 20 में 5 आता है, और क्या बोलते हैं जूस, क्या बोलते हैं ऑरेंज जूस, तो ऑरेंज जूस या मौसम्बी जूस और फट डेली मैं खा रहा हूँ। जब भी मैं ऑफिस जाता हूँ, वहाँ से मैं निकलता हूँ, तो वो चीज़ ज़रूर मैं खाता हूँ। सही है यार, बहुत दिन हो गया यार आप लोग से बात नहीं किया, डेली इंस्टाग्राम पे तो होता ही हूँ लाइव, लेकिन कोई नहीं चलेगा, ब्लॉग भी तो डालना जरूरी है ना, मोटो ब्लॉगिंग, क्योंकि यार बैंक बाइकर ऋषि है, तो बाइकिंग का तो दिखाना पड़ेगा ना, ट्रैवल ब्लॉग। और यहाँ पे यार ऐसे लोगों की हेल्प करते रहना जरूरी होता है, क्योंकि यार उतने दूर से तो कभी जा नहीं पाते यहाँ से,
वैसे करना बहुत ज़रूरी है, और आप लोग भी ये मौका मिले तो ज़रूर ट्राई करना, वैसे चीज़ें यहाँ से निकलने का जगह है तो नहीं। चलिए तो वैसे लोगों का ज़रूर हेल्प करो जो यार, देखो बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, लाइक छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा देखा है। जैसे मैं एक बार MG रोड गया था, वहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ रोज़ लेके बोलती भगया ले लो और पीछे ही पड़ जाते हैं वैसे। तो वो सब क्या होता है यार, वो सब ट्रेनिंग दिया जाता है उन लोगों को, मतलब अब वो लोग भी क्या करें कोई ये नहीं है, लेकिन उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप ऐसे लोगों को रिएक्ट करो। और जैसे ही मैंने उसे 20 रुपये का रोज़ खरीद लिया, उसके बाद उसका चेंज ही हो गया, पूरा हंसने लगी, मतलब खतरनाक एक्टिंग, इतना एक्टिंग तो साला मूवी की हीरोइन भी नहीं करती होगी। तो वही चीज़ है कि मतलब वही चीज़ है, लेकिन आपको गिफ्ट रहे आप बूढ़े बूढ़े लोग हैं तो यार वो तो यार उनका तो लाइफ ऑलरेडी आधा हो चुका है, तो उसका कोई ये नहीं है, आप जब भी मौका मिले हेल्प करो। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर देना। तब के लिए बाय।